जिसमें लगभग 480 बच्चे हैं और मध्य प्रदेश के 45 जिलों से बच्चे आए हैं, जिसमें उल्लेखनीय हम कहें सबसे अधिक बच्चे आए हैं जबलपुर से, इंदौर से, ग्वालियर और बैतूल, खंडवा, मुरैना और पन्ना और भी बहुत सारे ज़िले, सारे ज़िलों से आए हैं। किस तरह से ये पूरा संचालित किया जाता है और क्या क्या खास है, किस तरह का खेल है, काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है थोड़ा? जी, वुशू को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहा जाता है। वुशू इसका रिकॉग्नाइज गेम है, बाकी ज़्यादातर लोग इसे कुंफू के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन जो इसका नाम था वो कुंफू था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका रिकॉग्नाइज नेम वुशू किया। और जब हम राज्य स्तरीय स्पर्धाएँ करते हैं, इसके पहले पूरे जिलों में जिला स्पर्धा की जाती है, वहाँ से अपने अपने जिलों की टीम बना के हमारे जिलों के प्रभारी हैं जो कि सेक्रेटरी कहलाते हैं, जिला सचिव, वो अपनी अपनी टीमें लेके यहाँ पर आते हैं, फिर इनकी राज्य स्तरीय स्पर्धाएँ की जाती हैं। और इस राज्य स्तरीय स्पर्धा के बाद एक मध्य प्रदेश की सशक्त टीम बनाई जाएगी जो कि आगामी राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेगी। जूनियर राष्ट्रीय स्पर्धा 6 अगस्त से पटना में है और हम यहीं से वो टीम बनाएंगे और वो खेलेंगे वहाँ पर। कितने लोगों की टीम बनेगी? वो रहेगी 52 प्लेयर्स की टीम। जी, तो 480 आए उसमें से 52 बच्चे जाएंगे नेशनल खेलने के लिए। फिर उन नेशनल में से जैसे अभी लास्ट ईयर की चैंपियनशिप से अभी एशियन चैंपियनशिप के लिए जो लड़की सिलेक्ट हुई है तान्या जाटव, वो भी इस स्पर्धा में भाग ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट लड़की कृष्णिका गुप्ता, वो भी इस टीम में भाग ले रही है। जो आज वुशू का जो आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा? देखिए, वो जो वुशू एसोसिएशन है मध्य प्रदेश की, उसके तत्वाधान में जिस प्रकार का आयोजन आज किया है, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार की व्यवस्था हो गई है और जो बच्चे सोशल मीडिया की ओर जा रहे हैं, शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज स्पोर्ट्स से दूर हो रहे हैं, साथ ही साथ आप देख रहे हो कि बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसमें लगता है वुशू एक ऐसा खेल है जो आपको खेल के साथ साथ एक ऐसा विश्वास दिलाता है कि यदि विपरीत परिस्थितियों में बच्ची हो या बच्चा, कम से कम अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। मुझे लगता है बहुत बड़ी पहल है और साथ ही साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सारी की सारी कार्यकारिणी को, बहुत ही सुनियोजित तरीके से उन्होंने आयोजन किया। और बच्चों को देख के लगता है कि समाज में इस प्रकार की निराशा हो रही है कि आजकल बच्चे खेल कूद से दूर हो रहे हैं, शारीरिक व्यायाम से दूर हो रहे हैं, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनमें मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं, मानसिक मनोवैज्ञानिक परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ बच्चे इस हद तक चले जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। मुझे लगता है उस पहलू का यदि देखा जाए तो ये बहुत ही नायाब पहल है, इसके लिए साधुवाद सारे आयोजनकर्ताओं को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।